हेलो दोस्तों, तो आज हम करेंगे वेल्डिंग की क्लासिफिकेशन। तो देखिए, वेल्डिंग जो है मेनली दो टाइप से स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन, फ्यूजन वेल्डिंग और प्लास्टिक वेल्डिंग। देखिए, फ्यूजन वेल्डिंग हम उसे कहेंगे जब हम जो दो बेस मेटल हैं उनको हम मेल्ट करने पे, तो उसको पहले मेल्ट करते हैं एक तरह से, तो मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर गर्म करेंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर गर्म करके फिर उसको आपस में जोड़ते हैं, ठंडा होने के बाद वो जुड़ जाता है। तो मेन चीज है कि मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए यहाँ पे जो हो टेम्परेचर, और इसमें प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये नॉन प्रेशर है, नॉन प्रेशर प्रोसेस है, तो इसमें प्रेशर की जरूरत है। अब आर्क वेल्डिंग है, आपने कभी देखा है आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, इसमें कोई दबाव डालना पड़ रहा है? आपको दो पीस है उस पर वेल्डिंग कर रहे हो, जोड़ रहे हो और आपस में प्रेशर लगाना पड़ रहा है? नहीं लगे जरूरत। दूसरा है प्लास्टिक वेल्डिंग। अब देखिए, प्लास्टिक वेल्डिंग क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी मटीरियल को जब हम वेल्डिंग करेंगे तो उसको उसकी प्लास्टिक स्टेट में लेके आएंगे। देखिए, एक इलास्टिक स्टेट होती है, प्लास्टिक स्टेट होती है, जिसमें जब हम इस प्लास्टिक स्टेट में लाते हैं तो हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट से कम रहेगा। इसका याद रखें कि मेल्टिंग पॉइंट से टेम्परेचर जो है उसका कम रहेगा, और ये एक प्रेशर के साथ होता है ये सारा काम, प्रेशर की जरूरत पड़ती है इसको, मतलब फोर्स प्रेशर इसको लगाना पड़ेगा तब ये वेल्डिंग होगी। तो इस तरह से दो हमारे पास स्टार्ट होती है। अब देखिए, फ्यूजन वेल्डिंग जो है वो कितने तरह की है, इसमें है गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, थर्मेट, रेडिएंट और लो टेम्परेचर। अब हमारे पास गैस वेल्डिंग में हम यूज करते हैं गैसेस, तो इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं? नॉर्मली इसमें हम जो गैस वेल्डिंग बोलते हैं उसको बोल देते हैं ऑक्सी एसिटिलीन वाली को, ऑक्सी एसिटिलीन C2H2 एसिटिलीन, तो जो हम ऑक्सी एसिटिलीन वाली को ही गैस वेल्डिंग बोल देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफी वेल्डिंग्स होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो अभी तक है वो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग ही है, और ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग भी होती है, अलग अलग वेल्डिंग है, लेकिन हमारी सिलेबस में यही होती है। देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग जो कि इलेक्ट्रिकल, देखिए बिजली से चले, तो ये सिंपल सा फंडा है कि आपने जब भी देखा होगा प्लस और माइनस, मतलब दो तारे हैं आपके पास, आपस में जोड़ दो तो एक स्पार्क निकलता है, चिंगारी निकलती है, उन्होंने उसका यूज कर लिया, सही तरीके से एक आर्क बना ली, और उस आर्क से, मतलब इलेक्ट्रिकल आर्क से आगे कौन कौन सी बनी हमारे पास, कार्बन आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग और इनर्ट गैस वेल्डिंग। हमारे पास ये है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। देखिए, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग मोस्टली आपने देखा होगा कि रेलवे लाइंस जो है उसको वेल्डिंग करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए हम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनर्ट गैस वेल्डिंग। इनर्ट गैस वेल्डिंग ये बहुत ज्यादा फेमस है, जहां पे देखिए हमें क्या है, इनर्ट गैस चाहिए जो कि हमें प्रोटेक्ट कर सके, हमारी वेल्डिंग हो रही है जो, तो वेल्डिंग के ऊपर एयर स्ट्राइक करती है, वहां पे क्रोजन होने के चांसेस होते हैं, तो हम उसके अराउंड इनर्ट गैस की एक शील्ड बना देते हैं, उसके अंदर टिग और मिग ये बहुत ज्यादा दो फेमस है वेल्डिंग, और इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि हर एक वेल्डिंग के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं और आपको समझाऊं। देखिए, अगला है लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे हम करते हैं जब 420 450 डिग्री के अराउंड जब रहता है टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड में बात कर रहा हूं, तो उसमें हम जो वेल्डिंग करते हैं उसका नाम सोल्डरिंग और ब्रेजिंग होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पे इसको भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्लास्टिक वेल्डिंग। अब प्लास्टिक वेल्डिंग में हमारे पास कौन कौन से है, हमारे पास है फोर्ज वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग और कोल्ड वेल्डिंग। ये सारी जो वेल्डिंग है आपको मैंने बताया कि मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर रख के हम ये वाला काम करते हैं। तो फोर्ज वेल्डिंग में हम क्या है कि आयरन है जैसे, इसको गर्म करते हैं लेकिन पिघलाते नहीं है, और इनको दोनों को आपस में जोड़ते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हमें रेजिस्टेंस का यूज करते हैं और वहां पे वेल्डिंग यूज करते हैं। और फ्रिक्शन वेल्डिंग में बहुत ही मजेदार कि दो, मान लो मेरे पास मेटल्स हैं और आपस में उनको फ्रिक्शन के थ्रू इतना ज्यादा तेज आपस में रगड़ा जाता है कि फ्रिक्शन इतना हाई हो जाए कि वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए और वेल्डिंग हो जाए।
अगला है कोल्ड वेल्डिंग। तो कोल्ड वेल्डिंग हमारे पास फिर से लो टेम्परेचर वाला है। और रेजिस्टेंस वेल्डिंग, देखिए रेजिस्टेंस में हमारे पास अलग है, जैसे कि स्पॉट वेल्डिंग। तो स्पॉट वेल्डिंग जो है, हमें नॉर्मली आप इसको देखोगे तो जो स्टील के कप्स होते ना पहले मोस्टली चलते थे, तो उसकी जो पकड़ने वाली डंडी सी होती थी वो टूट जाती, तो वो स्पॉट वेल्डिंग के थ्रू करते थे। सीम वेल्डिंग, ये पाइप्स को वेल्ड करने के लिए सीम एक लगातार चले वो प्रोजेक्शन वेल्डिंग, तो ये भी आपको अलग से वीडियो दूंगा आपको। फ्लास्क और परक्यूशन वेल्डिंग, तो ये सारी वेल्डिंग की अलग अलग हमारे पास टाइप्स हैं, ये अलग अलग प्रोसेसेस हैं। और अगर आप चाहते हो कि वेल्डिंग का पूरा प्रोसेस समझना है, पूरी वीडियोस देखनी है, तो मैं आपको प्लेलिस्ट आगे दे रहा हूँ थंबनेल में, उस पर आप क्लिक कीजिए और वेल्डिंग की सारी वीडियोस देख सकते हैं मेरी बनाई। और ज्यादा अगर वीडियोस अलग अलग देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के सर्च बॉक्स में आप लिख दीजिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट, अगर मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।